सीबीआई आज आई है, सिसोदिया साहब ने उनका स्वागत किया है, उनको चाय पानी पिलाया है और उनका पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है, ये सीबीआई ईडी आती रहती हैं और हम खुश हैं इस बात से। ये हमारे को सर्टिफिकेट देकर जाएंगे ईमानदारी का, जो हम बात करते हैं कि हम देश की सबसे ईमानदार पार्टी हैं, सबसे ईमानदार हमारे नेता होते हैं। ये सीबीआई रीडिया पहले भी आती रही, केजरीवाल साहब पर भी छापे पड़े थे, वो भी कुछ नहीं मिला, कोई सबूत नहीं मिला। मैं आपको बता दूँ, आज सबसे ज़्यादा तरक्की कोई कर रहा है हिंदुस्तान में तो आम आदमी पार्टी कर रही है। ये बात बीजेपी के गले नहीं उतर रही, इसी से ये खौफ खाते हुए आए दिन हमारे मंत्रियों पर कुछ न कुछ आरोप लगाते हैं और रेड गिरवा रहे हैं। आज की बात करें तो अमेरिका के सबसे बड़े अखबार में, न्यूयॉर्क टाइम्स में, दिल्ली के सरकारी स्कूलों का जिक्र हुआ। सरकारी स्कूल किसने अच्छे बनाए, शिक्षा व्यवस्था किसने अच्छी की, मनीष सिसोदिया पर आज ही रेड गिर दी। ये सरकार नहीं चाहती कि हिंदुस्तान में शिक्षा व्यवस्था सुधरे। ये जो शिक्षा को अच्छा स्तर कर रहा, अच्छे कर रहा स्कूलों को, उनको फंसाना चाहती हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं दिल्ली में अच्छी की थी सत्येंद्र जैन जी ने, उन पर उनको झूठे आरोपों में घसीट कर अंदर लेकर गए, कोई भी सबूत नहीं मिला। तो ये बीजेपी सरकार नहीं चाहती कि हिंदुस्तान में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का स्तर बढ़िया हो और नौजवान और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। ये मनगढ़ंत आरोप लगाएंगे लेकिन कुछ नहीं मिलेगा। ये ईमानदारी का सर्टिफिकेट हमारे को देकर जाए। अच्छा, ये